Two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then they moved apart to a distance equal to half of their separation. The force of the repulsion between them increased 4.5 times in the comparison with the initial value. The ratio of initial charges of the ball is. Option given hai A 2, B 3, C 4 और D 6. तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग लाइक चार्जेज. लाइक चार्ज मींस अगर एक पर पॉजिटिव है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव है. ठीक है, आर एट सम सेपरेशन, तो वो कुछ सेपरेशन पे है. मान लीजिए वो सेपरेशन कितना है, डी. ये एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर है तो इनके बीच कुछ रिपल्सन फोर्स लगता है. तो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर ये लाइक चार्ज है तो इनमें एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा. एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी, क्या होगी बच्चों यहां से देखिए, तो कूलम्स लॉ क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर. ये फोर्स लगेगा शुरुआत में इनिशियल सिचुएशन में. क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बच्चों डी है. अब नेक्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं नाउ दीज स्फेयर्स मेक अ टच. उनको हमने एक दूसरे से टच करा दिया. तो टचिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है ना कि अगर दोनों को टच कराएंगे तो नेट चार्ज अब क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2. और जब अब इनको सेपरेट करेंगे तो चूंकि ये दोनों बॉल कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इन पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स इक्वल इक्वल हो जाएगा. तो बच्चों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों स्फेयर्स क्या है, सेम साइज के हैं, आइडेंटिकल हैं. ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से हाफ डिस्टेंस पर पुट कर देते हैं. कितनी डिस्टेंस पर पुट कर दिया, हाफ, वन बाई टू डिस्टेंस. मतलब पहले डी डिस्टेंस थी तो अब कितनी हो गई बच्चों, डी बाई टू हो गई. और चार्ज कितने कितने हो गए होंगे आफ्टर टचिंग, क्यू वन प्लस क्यू टू अपान टू और क्यू वन प्लस क्यू टू अपान टू. देखिए क्या कहा जा रहा है कि पहले फोर्स ये लगता है जब इन दोनों बॉल्स को आपस में टच कर देते हैं तो नेट चार्ज क्या हो गया, क्यू वन प्लस क्यू टू. फिर से उनको सेपरेट कर देते हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा, जो भी टोटल चार्ज है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. एक पर हो गया क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टू, भाई जब उसको अलग अलग करेंगे तो ये चार्ज इक्वली डिवाइड होगा. तो एक पर हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू अपान टू और एक पर भी हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू अपान टू. वो दोनों बॉल्स पे आ गया और कह रहे हैं फाइनली हम उसको पहले वाली डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस पर रखते हैं. ठीक है, तो इस समय बच्चों कितना फोर्स लग रहा होगा, सीधी सी बात है अब फोर्स उस पर लगेगा एफ टू इज इक्वल टू के, ठीक है, क्यू वन प्लस क्यू टू अपान टू का होल स्क्वायर अपान डी बाई टू का होल स्क्वायर. मीन्स एफ टू इज इक्वल टू आ गया के क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर. क्यों, अपान में फोर कैंसिल, ये एफ टू आ गया. अब कह क्या रहे हैं कि जो फाइनल फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 4.5 टाइम्स है. ये क्वेश्चन में खुद दे रखा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ टू इज इक्वल टू 4.5 एफ वन, सो के क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 इंटू के क्यू वन क्यू टू अपॉन डी स्क्वायर. बच्चों के से के को कैंसिल कर देंगे, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे. अब हमारे पास यहां पे क्या बचेगा, देखो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर प्लस टू क्यू वन क्यू टू इज इक्वल टू 4.5 क्यू वन क्यू टू.
इसको इधर लाएंगे तो बच्चों क्या बचेगा, क्यू वन स्क्वायर, ये देखो 4.5 क्यू वन क्यू टू है, यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4.5, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो बच्चों क्या बचेगा माइनस का 2.5, क्या बचेगा माइनस का 2.5 क्यू वन क्यू टू प्लस क्यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा करते हैं इस इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको चार्जेज का रेशियो बताना है, मीन्स Q1 अपॉन Q2 बताना है। तो देखिए ऑन डिवाइडिंग बाई Q2 स्क्वायर व्हाट वी गेट, वी गेट Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर माइनस, जब यहां पे डिवाइड होगा तो क्या होगा बच्चों Q2 से Q2 स्क्वायर से एक Q2 कटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2.5 Q1 अपॉन Q2 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। बच्चों जैसे कि इक्वेशन होती थी x स्क्वायर माइनस 2.5x, वैसा कुछ दिख रहा है क्या, चलिए थोड़ा सा और आपको इजी कर देते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x, तो ये इक्वेशन अब क्या बनेगी बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2.5x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहां पे सीधराचार्य फार्मूला यूज कर लेंगे, क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, तो याद कीजिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए वो इक्वेशन होती है, तो b की जगह क्या है माइनस का 2.5, तो माइनस बी की जगह ये क्या आ जाएगा प्लस का 2.5, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, तो 2.5 का स्क्वायर कितना आएगा 6.25 माइनस 4a इंटू सी अपान 2 इंटू ए की जगह 1। जिन बच्चों को श्रीधराचार्य फार्मूला नहीं आता मैं लिख के दिखा देता हूँ। बच्चों ऐसा होता है कि अगर ax एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना हो तो श्रीधराचार्य फार्मूला कहता है इसके 2x की वैल्यू हो सकती है और वो वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए कंपेयर कर देंगे अगर तो ax स्क्वायर था यहाँ पे 1x स्क्वायर, तो a की जगह 1, b की जगह बच्चों क्या आएगा माइनस का 2.5, c की जगह क्या आएगा देखिए 1, और इस इक्वेशन में पूरा वैल्यू पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये आ जाएगा तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आ सकती है, सोचिए ये आ जाएगा 2.5 प्लस माइनस रूट में क्या बचेगा देखिए सब्ट्रैक्ट होगा 2.25 अपॉन 2, तो ये बचेगा x इज इक्वल टू 2.5 प्लस माइनस 1.5 अपॉन 2। इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 प्लस 1.5 अपॉन 2 ऑन टेकिंग प्लस साइन, और x इज इक्वल टू 2.5 माइनस 1.5 अपॉन 2 ऑन टेकिंग माइनस साइन। सो व्हाट वैल्यूज आर पॉसिबल, सो x इज इक्वल टू ये क्या बचेगा इससे बच्चे देखो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बचेगा 4 अपॉन 2 मींस 2, और x इज इक्वल टू यहां क्या बचेगा बच्चों 1, तो 1 अपॉन 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 और 1 अपॉन 2, रेशियो ऑफ चार्ज है, x क्या है देखिए यहां से आप फिर से x की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपने लेट किया था, x की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू 2 और q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, सो q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू 2, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।